नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी टाइम हो गया, 11 बज गए हैं और काम सारा हो गया है, झाड़ू पोछा और कपड़े भी धुल गए हैं, नहा ली हूँ मैं और बच्चे भी नहा लिए हैं। और वैसे तो आज संडे है, ये भी ड्यूटी चले गए हैं क्योंकि इनकी आज छुट्टी नहीं थी, आज इनको ड्यूटी जाना था। और वैसे तो काम सारा हो गया है, अब मैं चलती हूँ किचन में, कुछ खाने के लिए बनाऊंगी, देखती हूँ क्या बनाना है। और सुबह बस चाय पी थी, उसके बाद ये डेली घूमने जाते हैं तो आने के बाद ये गाजर का जूस ले आए थे तो बस वही पिया है। और अभी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एंजॉय करते रहिएगा, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। क्या देख रहे हो? देखिए सोसाइटी में गेम चल रहे हैं बच्चों के, और अभी डांस चल रहा है ना, और नमन और हर्ष देख रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे खाना, और जो है बच्चे खा रहे हैं सबके साथ बैठ के, आराम से खा लो ठीक है, मस्ती कर लो, सारा दिन मस्ती में रहो, आराम से खा लो। और लोगे हर्ष? अच्छा यहाँ धूप में बैठ जा, बालकनी में। मुझे पार्क में जाना है। पार्क में क्या करोगे? पार्क में खेलता हूँ। वहाँ डॉग के साथ खेलते हो आप? डॉग के साथ। पार्क में तो खेलते नहीं हो? पार्क में नहीं, घर पे साइकिल लेके जाते हैं। यही बैठ जाना बालकनी में, खेल ले, धूप में बैठ जा। मैं साइकिल से खेलता, साइकिल नहीं लेके जाने। फिर आओगे तो 10 मिनट में वापस आ जाना, और झूले पे खेलते आना, ये नहीं है कि डॉग के साथ खेलोगे या इधर उधर, थोड़ी देर झूल के और 10 मिनट में वापिस ठीक है, नहीं दोबारा नहीं भेजूंगी अगर टाइम लगाया या डॉग के साथ खेल लो। हाँ पहले मैं पहले ही आ जाता क्योंकि फिर दो बार जाना पड़ेगा, एक तो एक घंटे में आके, फिर एक बार एक दिन में एक बार ही जाऊँ, फिर के सारा तो पेपर चल रहे, पेपर हो जाने तो फिर खेल लेना पार्क में, है ना? बहुत सारा खेलूंगा। हाँ फिर डेली खेलना। गेट बंद कौन करेगा? साइकिल लेके गया था। रिया नमन कहाँ है? गेट बंद कर जल्दी। वे नहीं आए नमन और रिया? क्यों कहा था थोड़ी देर में वापिस आए जियो? हाँ। कोई थी साइकिल नहीं लेके जानी पार्क में? देख रही थी मैं कैसे यहाँ चलाता फिरेता, ये कपड़े सूख गए हैं उतार के, तय करके रख देती हूँ, सुबह धोए थे अब तो जल्दी सूख जाते हैं कपड़े। मम्मी पैंट ये नहीं पहन रहा, मैं डेली आती, बदल दे दूसरी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो ये है सुबह का टाइम, मैं बच्चों को अभी तैयार करूंगी, आटा लगा के रख दिया है, चाय बन गई है और हर सो रहा है, नमन भी सो रहा है, रिया उठ गई है चाय पी रही है, तो पानी भी गर्म हो गया इनका। अब मैं हर्ष को उठाने आई हूँ, अब हर्ष को उठा दूंगी और ये दोनों नहा लेंगे, तब तक नमन का पानी हो जाएगा, इन दोनों का हो गया है, तो बस मैं पहले इनको उठा देती हूँ, ये नहा के तैयार हो लेंगे, उसके बाद मैं बना दूंगी इनके लिए खाना। हर्ष हर्ष जल्दी उठ, लेट हो गया स्कूल में, जल्दी उठ। और ये देखिए ये यहाँ पर आटा लेकर आए थे, तो ये मैंने गेहूं के आटे में मिक्स करके बनाई है रोटी, ये कौन सा मड़ुआ का आटा बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और टेस्टी भी है और हेल्दी भी, तो ये बहुत अच्छा लगा खाने में, बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स बच्चे चले गए थे स्कूल, उसके बाद ये भी ड्यूटी चले गए हैं, और अभी क्लीनिंग का काम मैं थोड़ी देर में करूँगी, झाड़ू पोछा, कपड़े आज नहीं धो रही हूँ क्योंकि थोड़े ही है, कल धो दूँगी। और अभी मेरे पास टाइम भी था और थोड़ा सा मन भी कर रहा था थोड़ी सी स्किन केयर करने का, और ये मैं कभी कभी करती हूँ जब भी टाइम होता है या मन होता है, डेली नहीं है या ऐसा नहीं है कि हफ्ते में दो बार या एक बार, हफ्ते 10 दिन में 15 दिन में जब भी मेरा मन होता है तभी करती हूँ। और अभी एक कुछ दिन पहले एक फ्रेंड का कमेंट भी आया था कि अपना स्किन केयर रूटीन शेयर करना, और काफ़ी दिन हो गए, तो वैसे तो मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, ऐसे ही कर लेती हूँ अपना जो भी करना होता है,
लेकिन मेरे पास कमेंट आया था इसलिए मैं आप लोग के साथ थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा तो ऐसे मैं कुछ नहीं करती हूँ और मैं तो पार्लर भी बहुत कम जाती हूँ, कभी कभी जैसे कोई फेस्टिवल हो गया या कहीं जाना हो गया तब थ्रेडिंग बनवाने के लिए जाती हूँ, और वैसे बहुत कम जाती हूँ क्योंकि टाइम टाइम का भी और मन भी नहीं करता है मेरा इतना, और बच्चे छोटे थे तब टाइम कम मिलता था, फिर अभी इतनी आदत सी नहीं रही है। और ऐसा नहीं है जैसे महीने में या आईब्रो बनवानी है या, तो मतलब बहुत कम जाती हूँ। और ये देखिए ये तो हो गया एलोवेरा जेल, इसको तो मैं किचन में रखती हूँ और जब भी मन होता है, इसका कोई फिक्स नहीं है कि दिन में दो बार लगाना है, तीन बार, कभी कभी तीन बार भी लग जाता है, कभी कभी दो बार, और कभी कभी होता है एक बार भी नहीं लगता है, लेकिन ये मैं रखती हूँ जब भी, जैसे सुबह के टाइम चाय बना रही होती तो उस टाइम मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता है तो मैं ये लगा लेती हूँ, और दिन में भी जब भी मन करता है या याद आ जाता है, दिख जाता है तभी लगा लेती हूँ। मेरा ज़्यादा कोई स्किन केयर का ये नहीं है कि फिक्स कि जरूरी करना है, लेकिन मैं सामान सब रखती हूँ और जब भी मन होता है कर लेती हूँ, और वैसे करते रहना चाहिए। जैसे बच्चों में टाइम नहीं होता हर एक के पास कि पार्लर में जाके फेशियल वगैरह करवाए, मैंने कभी फेशियल वगैरह नहीं करवाया, बस एक बार करवाया था जब मैं गाजियाबाद रहती थी, उसके बाद फिर बच्चे छोटे थे इतना टाइम भी नहीं मिलता था, और अभी बड़े हो गया वैसे मन नहीं करता है, घर पर थोड़ा बहुत कर लेती हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत भी नहीं लगती है। और अभी मैं ये है मेरे पास फेस वॉश, अभी मैं करने जा रही थी स्क्रबिंग, तो ये मेरे पास एवर यूथ का है स्क्रब, तो पहले मैं फेस वॉश करूँगी उसके बाद स्क्रबिंग। तो ये हो गया महीने 10 दिन में एक बार कर लिया या जब भी टाइम मिला हफ्ते 10 दिन में, इसका कोई ये नहीं है कि हफ्ते में दो बार या एक बार जरूरी है, तो मैं ये कभी कभी करती हूँ 10-15 दिन में एक बार, और कोई भी मोस्ट ये अभी तो मेरे पास ये है, नहीं तो कोई भी जो भी मिल जाए जो भी रखी हो मेरे पास, कोई भी कंपनी के ले आती हूँ मैं, ये नहीं है कि हाँ यही लानी है, कोई भी ले आती हूँ। जैसे सर्दियों में कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम होती है वो मैं लगाती हूँ, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल नहीं है, जो भी होती है मैं वही लगा लेती हूँ, जैसे नहा के आते हैं नहाने के बाद लगाते हैं तो वो मैं वही हाथों पैरों पर और यही चेहरे पर लगाती हूँ, गर्मियों में वो लगा लेती हूँ फेयर लवली, और लेकिन अभी सर्दियों में तो यही चल रही थी। तो यही था मेरा बस सिंपल सा स्किन केयर है, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो बस एक फ्रेंड पूछ रही थी इसलिए मैंने बता दिया, और अभी मैं स्क्रबिंग करने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी मेरे याद आ गया कि एक कमेंट आया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि हर एक के पास टाइम नहीं होता, हर एक पार्लर में जाता नहीं है, कोई मेरे जैसे होता है, आलस भी आता है, मुझे आलस भी आता है सबसे ज़्यादा, तो बस ये घर पर रह के थोड़ा बहुत केयर कर सकते हो, उससे भी हो जाता है साफ चेहरा, इतना ज़रूरत नहीं रहती है, और अगर आप पार्लर जा सकते हो तो और अच्छी बात है, और अगर पार्लर जाते हैं तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है, 1 से 1.5 2 घंटा तो लग ही जाता है कम से कम, कुछ भी कराने जाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और इस हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो घर पे वही 5-10 मिनट आधा घंटा में सब हो जाता है। नहीं जा सकते वो घर पे कर सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया है अपने चेहरे पर, और इसको मैं 10 मिनट रखूँगी, उसके बाद फेस वॉश करूँगी और फिर उसके बाद स्क्रबिंग, तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको कैसा थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है या नहीं। वैसे अगर करते रहे तो अच्छा रहता है, फिर आपको ज़रूरत भी नहीं लगेगी कि आपको पार्लर ही जाना ज़रूरी है, घर पे रह के भी थोड़ा बहुत केयर करते रहे तो चेहरा साफ रहता है। तो मैंने ऑयल लगा लिया है, 5 मिनट बाद फेस वॉश करूँगी और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको। और एक बात और फ्रेंड्स, मेरा चेहरा इतना साफ भी नहीं है जितना कि कैमरे में दिखता है, ये तो बस थोड़ा सा फिल्टर का कमाल लगा लो या कैसा भी, लेकिन मतलब चेहरा तो साफ है, कलर इतना साफ नहीं है, और वही ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जैसे गांव में जाते हैं तो थोड़ा सा काला पड़ जाता है, यहाँ पर रहते हैं तो थोड़ा सा साफ रहता है, पर इतना ये नहीं है कि जैसे गोरा चिट्टा होता है साफ, वो वाला नहीं है, थोड़ा सा मीडियम कलर है मेरा, ना ही ज़्यादा गोरा और ना ही ज़्यादा ब्लैक, तो मेरा ऐसा ही है। तो बस ये थोड़ा बहुत स्किन केयर करते रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और साफ भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ स्क्रबिंग करके, और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है जैसे पहले था चेहरा, बाकी आप लोग बताना थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा होता हो, और आपको मेरा ये सिंपल सा स्किन केयर रूटीन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी इस ब्लॉग का यहीं एंड कर देते हैं, क्योंकि कल से इस ब्लॉग की शुरुआत हो रखी है और एंड नहीं किया था कल, तो अभी कर देते हैं। अभी मुझे करना है झाड़ू पोछा और उसके बाद नहाऊंगी,
और इस वीडियो को यहाँ एंड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी वीडियो, और अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, जय माता दी।